काल हूँ, मैं काल हूँ। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, क्या आदेश है? तुम पृथ्वी पर चले जाओ, जाओ और तबाही मचा दो, जाओ दैत। जो आपकी आज्ञा महाराज। लेकिन महाराज आप ये बताइए कि मैं पृथ्वी पर शुरुआत कहाँ से करूं? हे दैत, तुम पृथ्वी लोक पर वहां जाओ जहां मेरा सम्मान नहीं होता, मेरी निंदा होती है। तुम वहां जाकर तबाही मचाओ। और दुनिया में ऐसा एक देश है, तुम चीन से शुरुआत करो। यहाँ के इंसान बहुत निर्दयी हो गए, कीड़े मकोड़ों का आहार करते हैं। जाओ दैत, मैं तुम्हारा नाम कोरोना रखता हूँ। जाओ जाओ कोरोना, जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज, जिससे कि मैं दुनिया में तबाही मचा सकूं। बस कोरोना, बस जाओ। सबकी जगह पे एक ही नाम होना चाहिए, कोरोना कोरोना कोरोना। इतनी तबाही मचा दो कि भाई भाई, बाप बेटा, माँ बेटी पास बैठने से डरे, सबके दिलों में एक ही दहशत हो, कोरोना 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 कोरोना। कोरोना रुको, मैं तुम्हें एक अद्भुत शक्ति देता हूँ। तुम अनगिनत अपने रूप रख सकते हो और एक समय में कई देशों में तबाही मचा सकते हो। कोरोना, ध्यान रखना, जिस जगह पर सैनिटाइजर और साबुन का अच्छे से इस्तेमाल हो वहां मत जाना। कोरोना, और जहाँ तेज गर्मी हो, मौसम गर्म हो, वहां भी मत जाना। ऐसी तबाही मचाओ सबकी जो पे की नाम हो, कोरोना कोरोना हा सबके दिलों में काल का भय हो। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जो लोग कोरोना से अब भी नहीं डर रहे उनके लिए खास तौर पर प्रिंस चार्ल्स, हम इंग्लैंड के, ब्रिटेन के राज घराने के प्रिंस चार्ल्स। यूपी के पीलीभीत में एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया, 33 साल के इस पेशेंट की कोई। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम का बड़ा बयान सामने आया। इमाम बुखारी ने कहा है, पड़ोसी जो मुस्लिम मुआलिक हैं, वहां रहने वाले माइनॉरिटीज प्लीज भाई आपसे गुजारिश करते हैं कि जितना यूपी बिहार वाले भाइयों हैं सब जने आप कभी फुर्सत हो तो जग बने, मेरे बन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जग बने, मेरे बन के घर भी आ जाना। गोरी खासी खा दिया हमें, कभी उसका भोग लगा जाना। कभी तेरे सत्य हो तो जग बने, मेरे धन के घर भी आ जाना।
नक्षत्र बना सप सोने का ना सुनरी घर में तार जड़ी ना पेड़ भर की मेवा है माँ बस श्रद्धा है नैन बिछाए खड़े इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ इस अर्ज को नाथ को राजाना जो रूखा सूखा दिया में तब उसका बोझ लगा जाना। हे माँ तुमने ना जाने कितने दैत्यों को संहारा है परंतु इस कोरोना के कारण हे माँ मैं तुम्हारे मंदिर में ना आ पा रहा हूँ ना अपना कोई काम काज कर पा रहा हूँ। हे माँ क्या इस कोरोना का कोई इलाज नहीं है क्या तुम्हारे बस में भी नहीं है हे माँ इस कोरोना को नष्ट करना। हे माँ कुछ तो बताओ मैं क्या करूँ। हे माँ मैं क्या करूँ इससे अच्छा है मैं अपनी आत्महत्या कर लेता हूँ। हे क्या ये दुनिया इसी तरह नष्ट हो जाएगी। हे माँ कुछ तो उपाय बताओ। हे माँ तुम धैर्य धारण करो और ये कोरोना रूपी दैत्य ये कालदेव से द्वारा निर्मित दैत्य जो पृथ्वी पर आतंक मचा रहा है ये स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। इसका अंत मनुष्य के हाथों है। तुम ज़्यादा से ज़्यादा सैनिटाइजर साबुन का इस्तेमाल करो गर्म मौसम में रहो और सर्दी वाले स्थान पर मत जाओ। हे भक्त मेरे दूत सफ़ेद पोशाक में तुम्हारी सेवा में तत्पर